अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि जी रमजान में बुरहान साहब आपने कोई रेसिपी नहीं लगाई, और यकीन माने अब तो हालत ये हो गई है कि बाजार में चलते फिरते ग्रोसरी स्टोर में कोई हमारी बहन आके कहती है जी आपकी रेसिपी कहाँ है। तो आज एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, फजल इज हेल्पिंग मी। मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं। दो घंटे हैं अभी हमारे पास रोजा खुलने में। ये है रैक ऑफ लैम्ब, ये हलाल है, आज सारी चीजें हलाल नजर आएंगी आपको। इसको मैं मैरिनेट करूंगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं कुछ कभी करता इसको। ये आपको मिल जाएंगे किसी भी, मगर एक स्पेशलिटी कट होता है ये, वो क्या सन गोल्ड फार्म मदीना हलाल मीट वालों के पास है। वैसे मैं ये आज बॉन्टान वालों से लाया हूँ, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ये कट करके दिया है। तो इसको हमने थोड़ा सा मैरिनेट किया है, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, सही है। अब इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, और ये बेसिकली रैक ऑफ लैम्ब हम बनाएंगे, इसके साथ चटनी बनाएंगे, उसकी मिंट चटनी। ये तो एक डिश हो गई हमारी, ठीक है जी। सिर्फ इतना ही करना है, इसको 10-15 मिनट में मैरिनेट होने दूंगा, लीजिए। और इसको पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर, ऑलिव ऑयल डालकर, तो इसको फ्राइंग पैन में, यानी कि इसको साटे कर लूँगा, और फिर मैं ओवन में 375 पे अबाउट 45 मिनट में हम इसको चार करेंगे। फिर मैंने दूसरी जो मेरी डिश है, अच्छा उसमें फिर ये हम रोस्ट करेंगे पोटैटोस लैम्ब के लिए। दूसरी जो मेरी डिश है वो ये है, क्या कहते हैं, पास्ता फ्रेस्का पापरडेल, ये बड़ा अच्छा है। इसमें ये उससे बना हुआ है, क्या कहते हैं मैम, जो हमारी यार जिसका हलवा बनता है सूजी से और अंडों से, उसके अंदर हम डालेंगे ये श्रिम्प्स, ये ताज़ा श्रिम्प, यानी कि जो है मैं जब रेडी हो जाएगा यानी कि उसके अंदर रखूँगा, और लॉबस्टर, चीज़, और ये सॉस, क्रीमी हर्ब रैंच सॉस। ये वैसे तो वो है, क्या कहते हैं, सैलड ड्रेसिंग है, मगर मैं इसको बनाऊंगा फेटाचीनी अल्फ्रेडो, और इंशाल्लाह ताला हमारी सर्विंग जब होगी वो बता दूंगा मैं आपको जैसे जैसे चलता जाएगा। होपफुली आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे वी आर प्रिपेयरिंग दिस। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, बाकी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाती है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे जो जो आपको ज़रूरत होगी वो हम बताते रहेंगे। थैंक यू। यस, अभी देखें जी, ये हम इसको डाल रहे हैं थोड़ा सा हॉट पैन में, जस्ट टू गेट इट ब्राउन बोथ साइड इंशाल्लाह। इसमें मैंने, व्हाइल यू गाइस वर अवे, मैंने ये किया है कि जो हमारी पास्ता फ्रेस्का है उसको मैंने 5 मिनट बॉयल कर लिया, सिर्फ ऑयल थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून ऑयल एंड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। ये इसका ये पक गया इधर, माय पोटैटोस आर रेडी। मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो उस वक्त काम है। रोजमेरी थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर, साइडों पे डाल दीजिए, ठीक है। और ये इसके ऊपर ना, ये आलूओं के ऊपर ये हम एक सीजनिंग डाल रहे हैं, बेसिकली कोई भी सीजनिंग आप इटालियन हर्ब डाल लें, कुछ ही डाल लें, तो वो ये हम कर लेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर भी डाल देते हैं, व्हाट द हेक है। और जब ये आप देखेंगे इसमें हो जाएगा, और ये थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऑयल, बड़ा खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे कि रोजे से इसकी बरकत में इजाफा हो और आप लोगों का रोज़ा अच्छा रहे। ये बनाएंगे हम पास्ता,
अल्फ्रेडो, ये मैंने धोकर रेडी कर लिए हैं अपने श्रिम्प्स। और वो जो दो मैंने आपको टेल दिखाई थी उनको मैंने गर्म पानी में डालकर 7 मिनट के लिए पकाया, फिर उसके बाद मैंने हाफ कुक्ड लॉबस्टर निकाल लिया। तो ये हम बनाएंगे, लकी होगा वो जिसको ये मिलेगा, राइट। वाओ, आई थिंक फजल मिलेगा। यस सर, लेट्स टर्न इट अराउंड। अच्छा, देख रहे हैं जी कैसा बन गया ये। There we go. Full heat. There we go. ठीक है जी, साइड बर्न, there we go. ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स टर्न इट ऑफ। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी रोजमेरी ताकि स्मेल आ जाए, और गोज इन द ओवन। खुला, जस्ट अच्छा, कुछ लोग इसके ऊपर वो लगा देते हैं फॉइल पेपर, आई डोंट, बिकॉज़ आई जस्ट वांट दिस टू कम लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ पिशावरी टच। देयर वी गो जी, अब हम बना रहे हैं श्रिम्प अल्फ्रेडो। तो उसके लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हमने ये जो लॉबस्टर है उनको पील कर लिया, यानी कि बॉयल करके। तो पहले हम लॉबस्टर को इस तरह इसमें सौते कर लेंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ओके ब्लैक पेपर, और इसके बाद ये इटालियानो हर्ब, ये मिलती हैं सेफवे से, वैसे मैं अपना भी खुद बनाता हूँ, ये समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, उसके बाद ये डालेंगे हम अल्फ्रेडो सॉस, ये बाजार से मिल जाता है, इट्स वेरी क्रीमी। ऑलराइट, देयर यू गो, हियर वी गो। सो अभी ये हम इसको सौते कर रहे हैं। बेसिकली ये जो लॉबस्टर है ये ऑल कुक था, मगर मैंने थोड़ा सा उसको कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी सॉल्ट है जो हमारी वो है। There we go. messy. और इतनी देर में मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कि ये देखिए, रैक ऑफ लैम्ब इज रेडी, इसको सर्व करेंगे, इट्स रेडी, सिर्फ अब ये हीट अप हो रहा है। लीजिए जनाब, ये आपका जब ये वाइट हो जाएगा लॉबस्टर, दैट मीन इट्स डन, ठीक है। तो आज की थीम मैंने अपने कपड़ों के साथ रखी हुई है, ठीक है जी। ये देखें हो गया, उसमें डाल दिया हमने पास्ता। ऑलराइट, ठीक है जी, खुद ही मेल्ट हो जाएगा, अभी ये मेल्ट हो जाएगा। एंड दिस इज मिल्क, ऑलराइट, जस्ट अ हाफ अ कप, ठीक है। बेसिकली ये रेडी है, इसको सिर्फ हमने गर्म करना है। ये देखें लॉबस्टर
बिल्कुल डन हो गया। ओके अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे श्रिम्प, श्रिम्प ऑलरेडी कुक्ड थे तो इसको सिर्फ वार्म ही करना है। अब इसके बाद हमने ये यानी कि वो जो टेक्स मिक्स होती है चेडर चीज एंड मोज़रेला ये करना है इसको, एंड दैट्स इट, इट्स रेडी डन। आई विश यू कैन स्मेल दिस, इट इज परफेक्ट। ये देखिए क्रीमी, लेट द मेल्ट एंड इट्स डन। यस दिस इज ऑल डन, दिस इज द फाइनल टच एंड दैट इज द प्रेजेंटेशन। हैव अ हैप्पी रमजान गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओ भाई ये नीचे ना रैक ऑफ फ्लेम विद मिंट श्रिम्प पास्ता एंड सम वेजीज, थैंक यू।